फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राम राम। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत प्यारे होंगे। तो करते हैं आज का ब्लॉग स्टार्ट। तो अभी जो है हम खड़े हैं भाई अपना अर्की से थोड़ा सा आगे, क्योंकि रात को फिर से वही प्रॉब्लम आ गई गाड़ी में, और रात को ही हमारी गाड़ी खाली हो गई थी। मतलब कुल मिला के 12:30 बजे वहाँ से हम फ्री हुए थे। फिर जो था हमने सोचा क्यों ना गाड़ी का काम ही करवा लिया जाए। तो अभी जो हम पहुँच चुके हैं अर्की से थोड़ा आगे, मतलब शाला पिपलू घाट साइड है भाई, पिपलू घाट इसी घर का नाम। तो भाई यहाँ पे हमें मिला थोड़ा सा, मतलब छोटा सा झरना। तो यहाँ पे फ्रेश वगैरह हो लेते हैं, मतलब भाई तो हो गए, भाई ने मुँह वगैरह धो लिया। तो अभी जो मैं अभी धोऊँगा यहाँ पे मुँह वगैरह, उसके बाद निकलेंगे यहाँ से बिलासपुर के लिए। मतलब एजेंसी में जाएंगे, गाड़ी की सर्विस, मतलब गाड़ी में जो भी दिक्कत है वो करवाएंगे ठीक। उसके बाद निकलेंगे शिमला की तरफ, देखते आज शाम को निकलेंगे या कल सुबह निकलेंगे। दोस्तों, कुल मिला के जो हम पहुंच चुके हैं एजेंसी में। तो भाई यहाँ पे अपने जो गाड़ी का काम चल पड़ा है, तो भाई यहाँ पे आके जो मैंने जो मेरा गुस्सा था भाई, वो बहुत ज़्यादा निकल गया है यहाँ पे। क्योंकि यार होता ही है कि सारा गाड़ी का काम करवाने के बाद फिर से गाड़ी खाली यहाँ आई 100 किलोमीटर, तो 100 किलोमीटर फिर गाड़ी भरने के लिए जाएगी, तो 200 किलोमीटर, मतलब 5-6 हज़ार रुपये का तेल आराम से गाड़ी पी गई। और जो नुकसान होता है वो भाई अलग से, आज का दिन टूटा वो अलग से। तो देखते हैं शाम तक अपना काम होता है या नहीं होता है। फिलहाल जो है वो काम चला हुआ है, तो दिखाते हैं जो अपना जो है गियर खुल चुका है, मतलब और क्लच प्लेट और क्लच प्लेट की टाइमिंग जो सेट की जा रही है। बाकी देखते हैं क्या बनता है, होता है या नहीं होता है, वो देखेंगे। वैसे ये बता रहे हैं कि कोई प्रॉब्लम हमें नहीं लग रही है, बाकी भाई हमें तो प्रॉब्लम लग रही है। अब देखो कि कहाँ जैसे इनको प्रॉब्लम मिलती है। अपनी गाड़ी का काम जो है फिलहाल होने वाला है, तो यहाँ पर अपने मित्र आए हैं भाई। शर्मा जी ये मेरे साथ रहते थे पहले, और ये रहे अपने डिम्पल जी, ये जा रहे हैं हमारे साथ घूमने इस चक्कर। तो देखेंगे अभी कहाँ जाएंगे शर्मा जी। पहले शर्मा जी हमारे साथ होते थे, इन्होंने मेरे को जिंदा बचाया था भाई, वो बहुत लंबी स्टोरी है। तो भाई अभी निकलेंगे यहाँ से, देखेंगे कब तक होगा अपना काम, मतलब होने वाला है, थोड़ा टाइम लगेगा। मतलब अभी तो बच गए शाम के 4, मतलब 4:30-5 बजे तक हो जाएगा अपना काम, उसके बाद निकलेंगे यहाँ से नॉन स्टॉप शिमला। कुल मिला के दोस्तों जो बज रहे हैं अभी बज रहे हैं शाम के 6, तो दोस्त वगैरह वो चले गए। जो मेरे साथ जाएगा वो यहीं पे है, वो चाय लेने गया है मैकेनिक के लिए। तो मैकेनिक ने जो है वो सारा काम जो है गाड़ी का वो प्रॉपरली तरीके से जो है हो चुका है। तो अभी जो है वो टेस्ट ड्राइविंग लेने की ज़रूरत है। तो अभी जो टेस्ट ड्राइव नहीं हो पाएगी, क्योंकि खाली गाड़ी जो है पहले भी मतलब ठीक चल रही थी, मतलब चढ़ाई में भी उतराई में भी प्लेन में भी दिक्कत आ रही थी भरी गाड़ी की चढ़ाई में, क्योंकि क्लच छोड़ नहीं देती गाड़ी। तो क्लच बूस्टर की वजह से जो बीमारी पकड़ी इन्होंने वो क्लच बूस्टर की थी। तो जो है अब अपनी गाड़ी का जो प्रॉपर्ली काम हो चुका है, मतलब खर्चा ज़्यादा आ चुका है, जेब ढीली हो चुकी है, तो मतलब दौड़ना पड़ेगा फिर से। तो अभी जो है हम निकलेंगे यहाँ से थोड़ी देर में, गाड़ी वॉश करवाएंगे अगर कोई मिला अभी, क्योंकि बारिश का थोड़ा थोड़ा मौसम है, तो शायद ना मिले। तो कल ही गाड़ी वॉश करवाएँ हम, पर फिर भी कोशिश करेंगे कि आज गाड़ी वॉश हो जाएँ। और निकलेंगे यहाँ से थोड़ी देर बाद, और पंप पे डीजल वगैरह भी डलवाएंगे। तो अभी जो है फ़िलहाल निकलेंगे यहाँ से साथ, मतलब फ़िलहाल पता करने गया है वो लड़का जो साथ में जाएगा, वो पता करने गया कि वॉशिंग सेंटर वाला है यहाँ पे या नहीं है। तो अगर हुआ तो हम निकलेंगे वॉशिंग सेंटर की तरफ, अगर नहीं हुआ तो हम यहाँ से 7-8 बजे निकलेंगे डीजल डलवा के सीधा शिमला, और दिन में वहीं पर वॉशिंग वगैरह करवाएंगे। अगर कल लोड का बना तो कल हमारे साथ गाड़ी लोड भी हो जाए। तो करते हैं इस ब्लॉग का फिलहाल यहीं पे एंड। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके जरूर बताना कि वीडियो कैसी लगी, और चैनल को करना सब्सक्राइब।